गुजरात, दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र में भी पटेलों की खासी आबादी है और इसीलिए ये जो आप पाटीदार समाज के आरक्षण का मुद्दा है इसको इतनी जोर शोर से गुजरात चुनाव में उठता हुआ देख रहे हैं। वहीं गुजरात में पाटीदार आरक्षण को लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने गुजरात के चुनाव प्रचार में सेल्फ गोल कर लिया। यूथ कांग्रेस ने मोदी को घेरने के लिए एक तस्वीर जारी की लेकिन वो तस्वीर कांग्रेस को ही भारी पड़ गई। हुआ क्या है, कैसे हुआ है गुजरात में यह तस्वीर को लेकर खेल, वो जरा देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में कांग्रेस की बड़ी गलती। गुजरात के चुनावी मैदान में भूख भूख कर कदम रख रही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। यूथ कांग्रेस की ओर से जारी की गई एक तस्वीर कांग्रेस पर ही भारी पड़ रही है। असल में कांग्रेस की यूथ विंग ने एक पोस्ट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को एक चाय वाले के रूप में पेश कर मजाक बनाना चाहा। यूथ विंग ने पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन की थेरेसा मे की फोटो पर आधारित एक मीम पोस्ट किया जिसमें पीएम मोदी के चाय बेचने पर मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। तस्वीर में दिखाया गया है कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मेरे कैसे कैसे मेमे बनवाता है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उसे मेमे नहीं मीम कहते हैं। इसके बाद ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे कहती हैं कि तू चाय बेच। विवादित तस्वीर जैसे ही सामने आई मामले ने तूट पकड़ ली। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस पार्टी ने इससे फौरन किनारा कर लिया। हमारी पार्टी इस तरीके के मजाक को खारिज करती है। नीतियों और विचारों पर मतभेद अलग बात है लेकिन कांग्रेस की संस्कृति प्रधानमंत्री और सभी राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करने वाली है। कांग्रेस ने भले ही इस पर माफी मांगी लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। देखिए कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है जो गरीब विरोधी है। प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं, मुझे फक्र है, लेकिन दूसरा तो देखे कि देश बेचने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हर नेता खुद कुल्हाड़ी लेकर के घूम रहा है अपने पैर पर मारने के लिए।